गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग पोजीशन। द वेल्डिंग पोजीशन आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। तो फर्स्ट है फ्लैट वेल्डिंग। इन दिस वेल्डिंग पोजीशन द फिलर मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन एनी डायरेक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट द फ्लेम इज अबव द फेस ऑफ वेल्ड। अबव द फेस ऑफ वेल्ड यानी कि आपके वर्कपीस के ऊपर आपका फेस रहेगा, आप सामने उसके वेल्डिंग करोगे, वो आपके वर्कपीस जो होगा वो नीचे रहेगा, आपका फेस ऊपर रहेगा। आपके हाथ में टॉर्च होगी, वेल्डिंग टॉर्च जिसको इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं, और उससे हम वेल्डिंग करेंगे। अब वो हम वेल्डिंग करेंगे हम स्ट्रेट फॉर्म में, यानी कि सीधा हमारा हाथ चलेगा तभी वो वेल्डिंग होगी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। सेकेंड है वो है हॉरिजॉन्टल पोजिशन। इन दिस वेल्डिंग पोजिशन द फिलर मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन ए वर्टिकल सरफेस इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहां पर ध्यान देना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि आपकी जो टॉर्च होगी वो मूव करेगी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि आपके सामने प्लेट बिल्कुल वर्टिकल केस में रखी हुई है और आप उसके सामने बैठे हुए हो और आप अपना हाथ चला रहे हो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ। थर्ड है वर्टिकल पोजीशन। इन दिस वेल्डिंग पोजीशन द फिलर मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन ए वर्टिकल सरफेस इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहां पर ध्यान देना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि अब आपकी जो टॉर्च होगी वो मूव करेगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि सेम वर्कपीस आपके सामने है, अब आपका हाथ जो मूव करेगा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर को लेकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। फोर्थ है इंक्लाइंड पोजीशन। इन दिस वेल्डिंग पोजीशन द फिलर मटेरियल इज डिपॉजिटेड अप और डाउन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि आपकी जो टॉर्च होगी वो अप और डाउन भी मूव कर सकती है, बट कैसे, किसी एंगल पर, यानी कि आपकी जो प्लेट है वो आपके सामने है पर वो ना सीधी है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना क्षैतिज है, ना ऊर्ध्वाधर है, वो एक एंगल पे है, इंक्लाइंड है, एक एंगल बना के रखी हुई है, यानी कि तिरछा रखा हुआ है वर्कपीस आपके सामने, और आपका जो हाथ की मूवमेंट है वो या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है एंगल पे, या ऊपर से नीचे आ रही है एक एनी एंगल पे, ठीक है। तो यहां पर जो ये एंगल जो होगा वो किसी भी एंगल हो सकता है, किसी भी वर्कपीस का कोई भी एंगल हो सकता है, ये इंक्लाइंड पोजीशन कहलाती है। फिफ्थ है ओवरहेड पोजीशन। इन दिस मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन एंड रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द वेल्डर। In this welding position, filler material is deposited on a horizontal surface in any direction so that the face of the weld remaining above the flame. यानी कि आपकी जो टॉर्च होगी वो आपके हाथ में होगी और फेस से ऊपर रहेगी, यानी कि आपके चेहरे से ऊपर रहेगी, और उसके ऊपर क्या होगा, आपका वर्कपीस होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी छत पर कोई वेल्डिंग करनी है, वहां पर कोई आयरन लगा हुआ, टी आयरन लगा हुआ, कोई भी चीज लगी हुई है कोई मेटल की, आप उस पर वेल्डिंग कर रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, ये मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप वेल्डिंग करोगे और उसमें से जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उछल कर जहां पर आएंगे वो कहां पर आएंगे, आपके फेस पर आएंगे, तब हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमारे पास फेस मास्क होना जरूरी है जो आपके पूरे फेस को प्रोटेक्ट करेगा, और जो वो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होंगे वो उछट कर आपके फेस पे आते, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि आपके जो वर्कपीस है वो ऊपर है और टॉर्च नीचे है। आई होप ये आपको पांचों पोजीशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।